के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। सुबह होने पर हम एक बंदर को देखते हैं जो बहुत सारे केले तोड़ कर ले जा रहा था और वो जाकर जंगल में रहने वाले हर एक जानवर को वही केला देता है, लेकिन सबको बांटने के चक्कर में आखिर में उसके पास खुद ही खाने के लिए एक भी केला नहीं बचता। इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता और वो बोलने लगता है कि उसके पास तो एक भी केला नहीं बचा। लेकिन तभी वो अपनी आवाज सुनकर बहुत ज्यादा शॉक में था, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि वो बोल कैसे रहा है। और इसीलिए वो अपने एक दोस्त एलिफेंट के पास जाकर वो उसे बताता है कि वो बोलने लगा है, और वो उस एलिफेंट से भी पूछता है कि क्या वो भी बोल सकता है। इस पर वो एलिफेंट भी बोलने लगता है। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो लोग बोल कैसे पाए हैं। तभी झाड़ियों में से एलिफेंट को एक आवाज सुनाई देती है और वो झाड़ियों के पास जाते हैं। वो एलिफेंट झाड़ी के पीछे छुपी हुई उस चीज को बाहर निकलने को कहता है, लेकिन जो भी उस झाड़ी के पीछे छुपा हुआ था वो उन दोनों के सामने आना नहीं चाहता था। इसी कारण वो उन्हें वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन उसके कहने पर उन झाड़ियों में से एक नीला कलर का एलियन बाहर निकलता है। वो एलिफेंट उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। वो एलियन अपना नाम उसे फिनिप बताता है और वो कहता है कि वो दूसरी दुनिया से आया है जो आसमान की तरफ मौजूद है और फिलहाल वो एक मिशन पर है। एलिफेंट और वो मंकी दोनों उससे उसके मिशन के बारे में पूछते हैं, लेकिन फिनिप उन दोनों को कुछ भी बताता नहीं है। इसके बाद वो उन दोनों को बताता है कि उसे वापस अपनी दुनिया में जाना है, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा परेशान है। तभी वो एलिफेंट अपनी सूंड में उसे उठाकर आसमान की तरफ जोर से फेंक देता है ताकि वो उसे अपनी दुनिया में वापस भेज सके, लेकिन ऐसा होता नहीं और एक बार फिर से वो उन्हीं के बीच में आकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर वो एलिफेंट उसे एक बार फिर से आसमान की तरफ फेंकता है और उसी दौरान मंकी और एलिफेंट नोटिस करते हैं कि वो दोनों अब बोल नहीं पा रहे थे। तभी वो एलियन एक बार फिर से उन दोनों के बीच आकर गिरता है। इसके बाद हम फिनिप के हाथ में एक चमकता हुआ गैजेट देखते हैं। वो बताता है कि वो दोनों इसी की मदद से बोल पा रहे थे। ये बात सुनने के बाद वो मंकी उसके हाथ से वो गैजेट छीनता और पूरे जंगल में हर एक जानवर के पास जाता है ताकि वो उन लोगों की आवाज सुन सके। वो सभी लोगों की आवाज सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश था और एक बार फिर से उसके पास आता है, लेकिन अब वहाँ पर बहुत से जानवर इकट्ठा हो चुके थे, जहाँ पे फिनिप सभी को बताता है कि उसे किसी भी हाथ में वापस जाना होगा और इसके बाद वो वहाँ से अकेला ही जाने के लिए डिसाइड करता है। लेकिन मंकी और एलिफेंट भी अपने साथियों के साथ उसके साथ जाना चाहते थे, इसी कारण वो फैसला करते हैं कि वो भी उसे छोड़ने के लिए उसके साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिनिप उन्हें मना करके वहाँ से अकेला चला जाता है, पर मंकी और एलिफेंट के सारे साथी अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। और ये बात जब फिनिप को पता चलती है तो वो उन सभी पर बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो चाहता था कि वो अकेला ही आगे बढ़े। वो एलिफेंट और मंकी उससे उसके मिशन के बारे में पूछते हैं, जिस पर फिनिप सभी को बताता है कि उसे पृथ्वी को जीतने के लिए यहाँ भेजा गया था, लेकिन उसकी शिप अब खराब हो चुकी है और अब वो वापस घर नहीं जा सकता और उसने अभी तक पृथ्वी भी नहीं जीती। ये बात सुनकर वहाँ मौजूद जानवर उसे मोटिवेट करने लगते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अभी भी पृथ्वी जीत सकते हो। और इसके बाद वो सभी लोग इस तरह का दिखावा करने लगते हैं कि उस एलियन ने उन सभी लोगों को हरा कर पृथ्वी को जीत लिया है। इस बात से फिनिप बहुत ज्यादा खुश होता है और मंकी और एलिफेंट के सारे साथियों को अपना दोस्त बना लेता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। उन्होंने उसकी पृथ्वी को जीतने में मदद जो की थी। और वही थोड़ी देर बाद ही उस एलियन के वो फिनिप की उस स्पेसशिप को ढूंढ लेंगे जो खराब हो चुकी है, और सभी लोग उस स्पेसशिप को ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। फिनिप के साथ उसके नए दोस्त भी मौजूद थे, इसीलिए अब वो बहुत ज्यादा खुश था। उसी जंगल में हम एक बर्ड के अंडे को देखते हैं जो अपने ही घोंसले से उछल कूद कर रहा था। और इसके बाद सारे लोग स्पेसशिप को ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हुए वो लोग रेगिस्तान की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक भैंसों का झुंड नजर आता है और वहाँ पर उस एलियन के पास रखे उस गैजेट के कारण वो भैंसे भी बोलने और गाने लगती है। ये देखकर उन भैंसों के झुंड का लीडर एलियन और उसके साथियों को एक गाने का चैलेंज देता है, जिस पर एलियन उन सभी भैंसों को हरा देता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। रास्ते में हम वही बर्ड का अंडा देख पाते हैं जो लुढ़कते हुए इन्हीं लोगों का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी वो एलिफेंट के पैरों नीचे आ जाता है, जिससे एक छोटा सा सुगुर्ग बाहर निकलता है और वो पैदा होते ही उनकी कोशिश करने लगा था, लेकिन वो उड़ नहीं पाता और आकर सीधा जमीन पर गिरता है। लेकिन तभी उस छोटे से शुतुरमुर्ग की माँ वहाँ पर आ जाती है, जो अपनी बेटी को वहाँ से ले जाती है, और वहीं पे वो शुतुरमुर्ग की माँ अपने बेटे को जोर से गले लगाती है। वो एलियन बहुत ज्यादा हैरान था। इसके बाद हम सभी को देखते हैं जो एलियन के स्पेसशिप की तरफ आगे बढ़ रहे थे, और उन सभी में एक छोटा पॉर्क्यूपाइन था जो उन लोगों से बिछड़ जाता है, क्योंकि वो बहुत ही छोटा था और वो झाड़ियों में अच्छे से चल नहीं पाता। वहीं आगे बढ़ते हुए फिनिप मंकी से पूछता है कि आखिर उस शुतुरमुर्ग ने अपने बेटे को गले क्यों लगाया। तो मंकी उसे बताता है कि जो भी जिससे प्यार करता है वो इसी तरह एक दूसरे को गले लगाया करते हैं, और पृथ्वी पर तो ऐसा ही होता है। इस बात से वो एलियन बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है। मंकी उसे बताता है कि प्यार की परिभाषा गले लगाकर
डिनर सभी को दी जा सकती है। इसके बाद थकान के कारण मंकी को बहुत ज्यादा भूख लगने लगी थी, लेकिन वो एलियन उनसे कहता है कि हमें चलते रहना चाहिए ताकि हम वो स्पेसशिप के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तभी वहां पर हम उन्हीं भैंसों का झुंड को बड़ी तेजी से उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं, जिसे देखकर मंकी और उसके सारे साथी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मंकी फ्निप से कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहां से भाग जाना चाहिए, नहीं तो भैंसों का झुंड उन्हें खत्म कर सकता है। लेकिन वो उन सभी को डरने से मना करता है और कहता है कि जब तक वो उनके साथ है वो भैंसे उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तभी उन भैंसों का लीडर उन लोगों के पास आता और उनका लीडर फ्निप को धन्यवाद कहता है, क्योंकि उसी के कारण अब वो बोल पा रहे थे। और उसके बाद फ्निप और मंकी एक बार फिर से अपने साथियों के साथ आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम उस पॉर्क्यूपाइन को देखते हैं जो किसी तरह से उन झाड़ियों में से होते हुए उसी जगह पर पहुंच चुका था जहां पर फ्निप की वो खराब स्पेसशिप पड़ी हुई थी। वो उस स्पेसशिप के पास जाता है जहां पर उसे एक चमकती हुई चीज नजर आती है और वो उस चीज को देखकर बड़ा हैरान होता है और वो उस चमकती हुई चीज को छू लेता लगभग 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और तुम अभी तक अपने मिशन में कामयाब नहीं हुए हो जो तुम्हें सौंपा गया था। वो लीडर उसे बता रहा था कि अगर तुमसे पृथ्वी नहीं जीती जा रही तो तुम वापस आ सकते हो। ये बात जब वो पॉर्क्यूपाइन सुनता है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपने सारे साथियों के पास जाने लगता है, लेकिन वहीं पर एक चट्टान से टकरा कर वो नीचे लुढ़क जाता है और उसके नुकीले कांटे होने के कारण वो सीधा जाकर एक पेड़ में चिपक जाता है और वो उससे निकल नहीं पा रहा था। इधर हम सभी जानवरों को देखते हैं जो एलियन के साथ शिप की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन सारे लोग थके हुए थे जिस कारण वो शाम होने पर वहीं पर आराम करने का सोचते हैं। फ्निप भी वहीं पर उदास होकर बैठा था, इसीलिए वो एलिफेंट उसे अपने पास सूंड की मदद से खींच लेता और इस तरह से फ्निप को नींद लग जाती है। और वहीं पे उसे एक सपना आता और वो देखता है कि उसने पृथ्वी को पूरी तरह से जीत लिया है और वहाँ के सारे जानवर अब उसके गुलाम हो चुके हैं। लेकिन वो देखता है कि मंकी और एलिफेंट के सारे साथियों को भी उनके सारे एलियंस ने कब्जे में ले लिया है। इसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है और वो बुरी तरह से घबरा जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मंकी और एलिफेंट के सारे साथी उनके कब्जे में आए, क्योंकि अब वो उन सभी लोगों से प्यार करने लगा था और उन सभी लोगों के बीच में एक अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। इसीलिए वो उन्हें वहीं पर सोता हुआ अकेला छोड़कर अपनी शिप की तरफ आगे बढ़ जाता है। इसके बाद हम उसी शुतुरमुर्ग के छोटे बच्चे को देखते हैं जो अपनी माँ से बिछड़कर एक पेड़ पर जाकर उड़ने की कोशिश कर रहा था और उसी दौरान वो पेड़ से नीचे छलांग मारता था।